दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और चुनावी पारा कुछ दिनों के बाद चढ़ा हुआ जरूर देखने को मिलेगा। इस चुनाव में कोई पार्टी CAA NPR के विषय पर मुद्दा बना सकती है तो कोई राजनीतिक पार्टी लोगों को मुफ्त बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती है तो कोई पार्टी पहले से ज्यादा बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसका जन्म अभी 2 साल पहले ही हुआ है और लोकसभा चुनाव भी करीब 60 सीटों पर लड़ी थी और अब दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल यानी दूसरी आप पार्टी ने बुधवार को अपनी पहली सूची जारी करते हुए 20 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया। आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह मुफ्त की योजनाओं को तुरंत हटा देंगे। ये जो फ्री योजनाएं हैं ये सिर्फ 5 साल की सरकार को खरीदने के लिए फ्री का रूंगा दिया जा रहा है। 3 महीने के बाद आपको महसूस होगा कि ये सारी योजनाएं वापस ले ली गई हैं और जो रेट है उनकी 3 गुना 4 गुना रेट उनके बढ़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम भी झूठे प्रलोभन देके या कांग्रेस पार्टी की तरह जैसे कांग्रेस ने किया है कि 600 यूनिट फ्री देंगे 200 यूनिट फ्री देंगे। हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स सिद्धांतों की राजनीति करती है, गरीब के हक की लड़ाई की बात करती है, वो फ्री योजनाओं का विरोध करती है और हमारी पार्टी किसी भी फ्री योजना को लॉन्च नहीं करेगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फ्री योजनाओं को इमीडिएट रिमूव करेंगे, हटाएंगे उनको। हालांकि जब उनसे पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र जारी न कर विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। आइए सुनते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा। हम मैनिफेस्टो के अगेंस्ट हैं। वी विल नॉट पब्लिश द इलेक्शन मैनिफेस्टो बट वी विल गिव ए विजन डॉक्यूमेंट फॉर दिल्ली एंड होपफुली इट विल बी पब्लिश्ड ऑन 24th of January 2020। जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है वो गरीब लोगों की पार्टी है तो गरीब लोगों के बीच में से निकल के आइए। जो भी सुजेशन होंगे सभी के उन सुजेशन से ही हम लोग अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। चुनाव का मुद्दा वही है, झूठ पर चोट करो, बैटल टॉस पर वोट करो, झूठ को हटाना दिल्ली में और जो झूठी सरकार है इसको हटा के उखाड़ फेंकना और जो बेईमान सरकार दिल्ली में है हम ईमानदारी के नाम पे चुनाव की बात करेंगे। दिल्ली में चुनाव में ईमानदारी में जवाब दें केजरीवाल जी, 70 वादे उनके फेल हो चुके हैं तो इसलिए हमने कैंपेन चलाया था कि 70 वादे फेल है, फ्री योजना चुनावी खेले। जिस तरह से आपकी अपनी पार्टी पीपल ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर आम लोगों को मौका दिया है, उनका क्या कहना है। मेरा नाम नफीसा खान है, मैं नरेला छत्तर से हूँ। समस्या सर यही है कि देखो नाली की है, पानी की है, बेरोजगार पड़े हैं, 80-80 साल की बुजुर्ग पड़ी हैं, उनके पेंशन पर केजरीवाल जी ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मेरी खुद माता जी है 90 साल की हो चुकी, उनकी खुद अभी तक पेंशन नहीं है। मैं संजीव कुमार रोहतास नगर विधानसभा से हूँ। मैं आपकी पार्टी पीपल से 2020 का चुनाव लड़ रहा हूँ लेकिन मैं अपने क्षेत्र और आपकी पार्टी के जितने भी सपोर्टर SC ST और OBC हैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे 5 साल के अंदर SC ST OBC का जो भी फंड आता है दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ने उसे पूरा लगाया और लगाया उसका जवाब अगर हाँ है या ना है, और अगर लगाया है तो उसकी डिटेल दें, और अगर ना है तो हमने RTI के तहत ये पता लगाया है कि पूरा 5 साल का जो भी SC ST माइनॉरिटी का फंड उनको नहीं लगा है। मेरे यहाँ की जो समस्या है वो पानी की समस्या है। दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल जी के अंदर आता है लेकिन यहाँ की जनता को पानी ही नहीं मिलता है तो मैं इसी के लिए काम करूंगा। मेरा नाम समीम चौधरी है। मैं महिलाओं के लिए घर में बैठा एक तो सबसे पहले तो उनकी पेंशन की समस्या सोल्व करूंगी जो बिल्कुल 70 साल की हो रही है। अगर मेरी सरकार आती है दिल्ली से 70 विधानसभा पे तो मैं सबसे पहले औरतों के लिए जो महिला है बुजुर्ग उनका दुख दूर करूंगी और उनकी पेंशन बनवाऊंगी। दूसरे नंबर उनको रोजगार भी दूंगी, जो घर में बैठी है और पढ़ी लिखी है उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा तो उन्हें रोजगार भी दूंगी। हम चौधरी जाकिर अली है जी, मैं मुस्तफाबाद विधानसभा से लड़ना चाहता हूँ। तो समस्या पेंशन की है बुजुर्गों की पेंशन की है, जवान विधवाओं की है उनकी भी पेंशन की मुझे बड़ी सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे रोजगार वो समस्या। नसीम खान है सर जी, मैं रिठाला विधानसभा से जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ और जो पब्लिक ने जो मुझे सपोर्ट किया है और उनकी जो जितनी भी समस्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उनकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। अगर मैं विधानसभा में जीत के आया तो इंशाल्लाह पूरी जो है पूरी मदद करूँगा और जितनी भी हो सकेगा
गरीब विधवाओं की और जो भी क्षेत्र की समस्या होगी उन पर जो है ठीक 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 हाँ जी ये चल जाएगा। आपका नाम और पद क्या है आपका, उसके बाद बताइए। मैं सोनू कौशिक तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से पूरा का पूरा जो विधानसभा है तिमारपुर सब तहस नहस है। वहाँ मैं जाके देख के आया हूँ खुद अपनी आंखों से, रोज भी निकलता हूँ जाता हूँ। और रामवीर चौहान जी का बड़ा ही उपकार है, बड़ा ही एहसान है जो इस पद पे मेरे को एक उम्मीद रख के खड़ा किया है। आप सभी भाइयों से बस यही प्रार्थना है, मेरी माताएं बहनों से सभी से कि एक बार मौका दें, जो भी परेशानियाँ सब खत्म हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब दिल्ली में 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे, आपकी अपनी पार्टी पीपल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर बाजी मारती है ये तो 11 फरवरी को ही पता चल पाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।